जय श्री कृष्णा दोस्तों, कृष्ण इज़ हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के ऊपर बात करेंगे कि एक ऐसा प्लैनेट जो आपके चार्ट में अच्छा होना चाहिए, उसके ना अच्छे होने से कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हमको जीवन में आती हैं, और अच्छे होने से हर प्रकार का हमको शुभ फल प्राप्त होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियोस अच्छे लगे तो शेयर अवश्य कर दिया करिए मेरे लिए। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, फ्यूचर के बारे में, उनके जीवन में क्या फोकस है, क्या गोल हैं, क्या करियर है उनके जीवन में, कहाँ जाना चाहते हैं, बड़ा सरल है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं, आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है कि एक ऐसा प्लैनेट जो आपका जीवन बदल सकता है या उसके अनुरूप हमको अपना जीवन चलाना चाहिए, या वो हमको ये बताता है कि हमको अपने जीवन में क्या कष्ट परेशानियाँ और क्या हमको उसमें सहूलियत हो सकती है, सरलताएँ आ सकती हैं, ये वो प्लैनेट हमको बताता है। देखिए चंद्रमा हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो देखिए ये जल तत्व है, शुरुआत का वीडियो अवश्य सुन लीजिएगा आप लोग, क्यों, क्योंकि इसी से फिर आपको पूरे वीडियो के बारे में और अच्छी तरीके से समझ में आता है, और ज्ञान लेने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आए तो वीडियो को पूरा देखा करिए जिससे हर प्रकार का जो पॉइंट्स हैं वो समझ आ सके। तो चंद्रमा जो है वो देखिए जीवन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भाई सूर्य हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है पहचान के लिए, आइडेंटिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये मान के रखिए। लेकिन उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट जो प्लैनेट है वो है चंद्रमा, अर्थ के, धरती के सबसे नज़दीक है, तो इसका असर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है चंद्रमा का। यही एक प्लैनेट है जिसका असर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा, नित्य रोज़ हर डेढ़ घंटे में हमारा मूड फ्लक्चुएट कर जाता है, अलग अलग हो जाता है, उसका कारण चंद्रमा ही है। देखिए हर ग्रह अपने अंदर अलग अलग विशिष्टताएँ, बड़े क्वालिटीज़ अपने अंदर समेटे हुए हैं, और सूर्य देवता की अलग क्वालिटी है, शनि देवता की अलग क्वालिटी है, बृहस्पति महाराज की अलग क्वालिटी है। आखिरी में अगर हम देखेंगे तो जिस प्रकार से हमारा मूड होगा वही सारी क्वालिटीज़ को उठा के बाहर रिफ्लेक्ट करेगा ना। चंद्रमा एक प्रकार से प्रतिबिंब है, मिरर है हमारे जीवन का, इस बात को ध्यान रखिए। इसीलिए चंद्रमा जब बिगड़ जाता है तो हमको जीवन में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे पास घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, हर प्रकार की हमारे पास भगवान की कृपा से आशीर्वाद हो, परंतु अगर चंद्रमा खराब होगा तो हम उसको, उसका सुख उठा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अंततः चंद्रमा सुख से जोड़ा जाता है। और ये वाला जो वीडियो है वो आपको क्या बताता है, देखिए चंद्रमा के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चंद्रमा आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब चंद्रमा हम जान गए कि हमारे सुख से इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे सारे मूड्स को रिफ्लेक्ट कर देता है और बाहर फेंक देता है। किसी भी प्लैनेट का कोई भी मूड हो वो चंद्रमा के अंदर ही आप समझ लीजिए समाहित हो जाता है। अब आपकी शनि की दशा चल रही है, बहुत अच्छी बात है, अब आपका चंद्रमा जिस प्रकार से जीवन में फंक्शन कर रहा है उसी प्रकार से शनि की दशा आपके जीवन में चलने वाली है। क्योंकि देखिए जो हमारा प्रारब्ध लिखा गया है, जो हमारा कर्मा लिखा गया है, कुछ चीज़ें हमारे जीवन में होंगी, कुछ चीज़ों को हम रोक सकते हैं अपने लाइफ में, लेकिन पूरे की पूरी दशाएं, पूरे का पूरा समय जीवन, जितनी भी और दशाएं भी आती हैं, सिर्फ शनि की दशा नहीं, हर प्रकार की दशा डिपेंड होती है कि हम अपने आप को किस प्रकार से मानसिक स्थिति से कंडक्ट करते हैं। तो चंद्रमा हमको जिस प्रकार से कंडक्ट करवाता है हम उस प्रकार से हो जाते हैं। कई बार आदमी के ऊपर से रेलगाड़ी निकल जाती है और वो उफ तक नहीं करता है,
उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। किसी को जरा सा काटा या सुई चुभती है तो पूरे मोहल्ले को और पूरे बिरादरी को पता चल जाता है कि अरे भैया इनको चोट लग गई है। तो क्या आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये चंद्रमा का असर है। अब जो ये वीडियो का विषय है कि वो एक ऐसा कौन सा प्लैनेट जो आपके जीवन में असर डालने वाला है, अच्छे में बुरे में सुख में दुख में, आपके जीवन की गति मति बहुत चीज़ें इस प्लैनेट पे डिपेंड करती हैं। आपकी पत्रिका में चंद्रमा नवमांश कुंडली में D9 कुंडली में, जिसको हम शादी की कुंडली भी मानते हैं समझते हैं, मैरिज का चार्ट D9, वो चार्ट में चंद्रमा महाराज जिस राशि में बैठे होंगे, मान लीजिए चंद्रमा वहाँ पे बैठे हुए हैं कर्क राशि में, अब आपके लिए चंद्रमा पैरामाउंट हो जाएंगे। चंद्रमा अगर आपके नवमांश चार्ट में बैठे हुए हैं मान लीजिए सिंह राशि में, सूर्य देवता सन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हो जाएंगे। अभी मैं बताता हूँ क्यों। चंद्रमा आपके पत्रिका में नवमांश कुंडली में वृश्चिक राशि में या मेष राशि में बैठे हुए हैं, मंगल महाराज आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हो जाएंगे। अगर चंद्रमा महाराज बैठे हुए हैं आपके तुला राशि में या वृष राशि में तो शुक्र महाराज आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हो जाएंगे। अगर वो बैठे हुए हैं कन्या में या मिथुन में तो आपके लिए बुध महाराज इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। धनु में बैठे हुए हैं या मीन राशि में बैठे हुए हैं चंद्रमा नवमांश कुंडली में तो बृहस्पति महाराज इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। और अगर मकर में और कुंभ में बैठे हुए हैं नवमांश कुंडली में चंद्रमा तो शनि महाराज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। अब आप समझ गए कि आपके लिए वो वाला प्लैनेट कौन सा है। यहाँ पे दो एक्सेप्शन्स हैं, उन बातों को सुन लीजिएगा। अगर आपके चंद्रमा नवमांश कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं तो वो मंगल की राशि है, लेकिन उसके को लॉर्ड जो हैं वो केतु महाराज भी हैं। तो आपके लिए कौन इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, मंगल और केतु दोनों। इसी प्रकार से कुंभ राशि में अगर बैठे हुए हैं आपके चंद्रमा नवमांश चार्ट में तो इसका मतलब है कि शनि महाराज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हुए, साथ ही में कुंभ राशि के को लॉर्ड हैं राहु महाराज, तो आपके लिए शनि और राहु फिर ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। अब आपको पता चल गया कि हमारे लिए ये प्लैनेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, क्यों इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, चंद्रमा नवमांश चार्ट में, नवमांश चार्ट हमारे धर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम ये कहें ना, हमारी लग्न कुंडली का जो 9th हाउस है, नौवा स्थान है, उसको अगर एक्सपैंड कर दिया जाए, खोल दिया जाए एक एक घर 9th हाउस, आप मान के चलिए कि आपके जो लग्न चार्ट का 9th हाउस है हम उसके 12 हिस्से कर दें अगर 9th हाउस के, तो वो नवमांश चार्ट बन के आ जाता है। तो ये धर्म का एक्सटेंशन है, ये बात समझ लीजिए। अच्छा, नवमांश चार्ट जो है वो इमीडिएट पास्ट लाइफ जिसको कहते हैं ना, हाँ, हम अभी जो एक पास्ट लाइफ जी के आए हैं, और ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की, जो हमारी ह्यूमन पास्ट लाइफ जो है वो अभी बीती है, वो नवमांश चार्ट शो करता है। ये D9 आपको बताता है। D60 हमारे जीवन में जो चार्ट होता है, षष्ठीयांशा चार्ट, D60 चार्ट, वो नंबर ऑफ लाइव्स, जो नंबर ऑफ पास्ट लाइव्स हैं उसके बारे में जानकारी देता है। लेकिन जो D9 है, इमीडिएट जिसको कहा जाए कि क्या करके आए हो, तुरंत देख लो D9 से, ये वाला पॉइंट है। तो आपको दो बातें मैंने क्या बताई कि जो D9 चार्ट है वो मैरिज के लिए तो है, लेकिन यहाँ पे विषय वो नहीं है। यहाँ पे D9 चार्ट धर्म का एक्सटेंशन है, इसका मतलब धर्म का भार ढोने वाला है, धर्म के बारे में बताने वाला है, वो ये बताता है यहाँ पे। और हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड है तो हमारी स्मृतियों को संजोए हुए हैं, हमारे उन प्लैनेट्स की ताकत को संजोए हुए है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमारे चार्ट में, लगन चार्ट में कोई प्लैनेट नीच का है और नवमांश में अगर वो प्लैनेट उच्च का है तो वो उच्च जैसा फल आपको प्रदान करेगा।
क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म से रिलेटेड उस प्लैनेट से आपने बड़ा शुभ कर्म किया था, आज उसका फल वो आपको प्रदान करेगा। उसी तरीके से चंद्रमा जो है वो सारे मूड्स, वो सारे सुख, वो सारे सेंटिमेंट्स, वो सारी आपकी करनी की स्मृतियाँ अपने अंदर समेटे हुए है चंद्रमा, क्योंकि वो हाईली अफेक्ट हो जाता है ना किसी के साथ तुरंत। चंद्रमा आप देखेंगे तुरंत वो अच्छा बुरा अपने अंदर समेट लेता है, समाहित कर लेता है। तो ये जो चंद्रमा है इसके पास कई प्रकार की स्मृतियां हैं। नवमांस चार्ट में वो जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि से संबंधित, उस लॉर्ड से संबंधित, चंद्रमा नवमांस में जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उससे संबंधित, उसके पास बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। और इसी के ऊपर मैं जो ये पहला वीडियो बना रहा हूँ चंद्रमा के ऊपर, इसके मैं आगे भी दो तीन वीडियो आपको बना के बताऊँगा, जिससे कि आपको और बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज का विषय वो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट आपके जीवन में कौन सा है, जिससे कि आप समझ पाएंगे, सचेत हो पाएंगे, सतर्क हो पाएंगे। अब चंद्रमा यहाँ पे वो चीज़ें समेटे हुए हैं। अच्छा, धर्म का एंगल इसमें आ जाता है। D9 के मामले में धर्म का मामला ये भी होता है, ये नहीं हम बात कर रहे हैं कि पूजा पाठ का या घंटी हिलाने का या गोपाल गोपाल करते रहने का, नहीं। धर्म का मतलब ये होता है कि भाई जो नीति नियम रूल रेगुलेशंस होते हैं उनको भी एक प्रकार से धर्म कहा जाता है, कि भैया तुम्हारा धर्म क्या है अपने पिताजी के साथ चलने का, तुम्हारा धर्म क्या है अपनी माताजी के साथ चलने का, ये भी धर्म आ जाता है ना। आपका धर्म क्या है स्त्री के साथ व्यवहार करने का, तो ये भी धर्म की संज्ञा में आ गया। तो चंद्रमा जो है इन सारी चीज़ों को समेटे हुए है। अब वो जिसके घर में बैठा होता है वहाँ पे नवमांस कुंडली में, वो प्लैनेट में सारी चीज़ें एक प्रकार से समझ लीजिए प्रविष्ट हो जाती हैं। और अब की बार लगन चार्ट में वो हमारे पत्रिका में जहाँ पे भी बैठा होता है वो प्लैनेट, वो जो भी प्लैनेट होता है, आज का विषय है कि वो जो भी प्लैनेट होता है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अब वो प्लैनेट मान लीजिए, हम लोग उदाहरण लेते हैं कि चंद्रमा बैठे हुए हैं सूर्य देवता के सिंह राशि में, नवमांस कुंडली में बैठे हुए हैं। अब सूर्य आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गए, ये बात याद रखिए। अच्छा, अब सूर्य इम्पॉर्टेंट हो गए तो पॉइंट क्या है कि देखिए, अब सूर्य देवता हम अपने लगन चार्ट में देखेंगे कि भाई हमारी पत्रिका में सूर्य कैसे हैं, सन कैसे हैं। अब अगर हमारी पत्रिका में सन अच्छे होंगे तो आप पहली बात ये समझ लीजिए आपको हर प्रकार के शुभ फल सन से रिलेटेड प्राप्त होंगे। और इनफैक्ट अगर मैं इसमें एक और पॉइंट आगे जोड़ दूं इस चीज़ के साथ कि आपको जीवन में कई प्रकार के शुभ फल प्राप्त होंगे अगर सन आपके चार्ट में अच्छे बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में सन, मान लीजिए आपका चंद्रमा नवमांस में सिंह राशि में बैठा हुआ है और सूर्य आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बन गए जो आपके जीवन में जीत हार के परिचायक हो सकते हैं, आपके सुख और दुख से रिलेटेड हो सकते हैं। अब सूर्य को हम लोग किस रूप में जानते हैं? सूर्य को हम लोग जानते हैं जीवन में एक अथॉरिटी के रूप में, एक नाम के रूप में, एक यश के रूप में, एक आइडेंटिटी के रूप में, एक पर्सनैलिटी के रूप में, हेल्थ के रूप में, वेल्थ के रूप में, चमक के रूप में, कॉन्फिडेंस के रूप में। हम सूर्य देवता को देखिए इन सब बातों के लिए जानते हैं। हम सूर्य देवता को जानते हैं संतान के लिए, हम सूर्य देवता को जानते हैं नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, हम सूर्य देवता को जानते हैं क्रिएटिविटी के लिए, हम सूर्य देवता को जानते हैं ऊंची पोजीशंस के लिए अपने काम में, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो हमारा क्या नाम लेते हैं सरकारी सेवा हो, हम सूर्य को उन चीज़ों के लिए जानते हैं। हम सन को जानते हैं धर्म के लिए, सत्य के लिए। हम सूर्य को जानते हैं फादर के लिए, संतान के लिए जानते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि अच्छा, सूर्य हमारे चार्ट में, चंद्रमा नवमांस चार्ट में सूर्य की राशि में बैठा हुआ है और सन हमारे लिए पैरामाउंट हो गए। अब सन इन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं और सन हमारे चार्ट में, लगन चार्ट में
बढ़िया जगह पे बैठे हुए हैं, मित्र राशियों में, उच्च के होके केंद्र में, टेंथ हाउस में, फर्स्ट में, दिग्बली होके बैठे हुए हैं, या थर्ड में, इलेवेंथ में, सिक्स्थ में बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी मित्र राशियों में बैठे हैं और पूरा बली बैठे हुए हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि सूर्य हमारी पत्रिका में वो बढ़िया प्लैनेट है। अच्छा, अब सूर्य से ही रिलेटेड हमारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं पास्ट लाइफ से, क्योंकि चंद्रमा बैठा हुआ है सिंह राशि में। आज मान लीजिए आपका लगन है मकर, मान लीजिए अब मकर लगन और सूर्य देवता टोटल ऑपोजिट हैं, आप ऐसा मान के चलिए। लेकिन अगर आपका लगन मकर है और चंद्रमा आपका बैठा हुआ है नवमांश में सिंह राशि में, तो आप ये मान के चलिए कि आप जीवन में सूर्य से बड़े प्रभावित होंगे। यहाँ पे बड़प्पन, यहाँ पे अथॉरिटी, यहाँ पे मैग्निमिटी, यहाँ पे एक ऊंचे तरीके का काम करना, ऊंचे तरीके की सोच, बड़ा दिल, बड़ा हृदय, यहाँ पे फ्लॉन्टनेस, हर भाई सूर्य है ना, अब वो निकलेंगे तो गाजे बाजे के साथ, बड़ा दलबल के साथ निकलेंगे। अब मकर लगन बिल्कुल ऑपोजिट है यहाँ से, लेकिन अब अगर वो प्लैनेट सूर्य बन के आता है तो आप देखेंगे कि सूर्य की वो क्वालिटीज आपके अंदर तो भैया बिल्कुल है। हमारे चार्ट में चाहे हम मकर लगन के हैं, लेकिन सूर्य से रिलेटेड हमारे जीवन में पैरामाउंट हमारे लिए वो प्लैनेट था, तो हमारे जीवन में ये पॉइंट ज़रूर है। अब सूर्य हमारे चार्ट में, इसके आगे का स्टेप क्या है कि चंद्रमा हमारी पत्रिका में मान लीजिए नवमांश कुंडली में सिंह राशि में बैठा है, हमने देख लिया वो प्लैनेट सन है। अब वो हमको कहाँ कहाँ पे असर करेगा, किन किन चीज़ों के लिए असर करेगा, हैं तो लाखों चीज़ें सन के अंडर में। जैसे बड़ी छोटी सी और बड़ी एक अलग रूप में आपको बात बता रहा हूँ, सन रूल करता है पत्थरों को, फॉर एग्जाम्पल वो पत्थरों को रिप्रेजेंट करता है सन। अब हमारे पत्रिका में वो प्लैनेट बन के आता है, सन बन के आता है, नवमांश में चंद्रमा बैठे हुए हैं सूर्य की राशि में, वो इम्पोर्टेंट प्लैनेट बन के आता है सन। अब सन हमारे लिए पैरामाउंट हो गया। अब मैंने आपको बताया सूर्य किन किन चीज़ों के लिए, उनके क्या क्या कारक तत्व हैं, वो किन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, क्या उनकी पहचान है। अब सन जाने जाते हैं जैसे मान लीजिए पत्थरों के लिए। अब ऐसा आदमी बिना जाने बूझे अपने जीवन में पत्थरों का काम करने लग जाता है, लाओ भैया मार्बल का काम करें, लाओ भैया ईंटे का भट्टा लगा लें, लाओ भैया टाइल का काम करें, लाओ भैया ग्रेनाइट का काम करें। सूर्य ऐसी स्थिति में पत्रिका में खराब है ऐसे व्यक्ति का, लेकिन उसको तो ये पता नहीं है, वो तो देख रहा है टेंथ हाउस ठीक है, टेंथ हाउस का लॉर्ड ठीक बैठा है, किसी प्रकार से उसको सलाह मिल गई और उसने ये काम शुरू कर दिया सुन के कहे। अब सन है हमारी पत्रिका में खराब चार्ट में, और सन हमारे लिए पैरामाउंट प्लैनेट था। अब आपने जैसे ही वो काम शुरू किया तो उसके बाद आपके लॉसेस होना शुरू हो गए। तो देखिए वो प्लैनेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा नवमांश में सूर्य की राशि में बैठा है, सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सन आपके चार्ट में अगर वीक होगा तो आप ये याद रखिए कि हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन में आएगी, नाम में, मान में, सम्मान में, अथॉरिटी में, यश में, आपका कहीं कोई जो है आपका दबदबा नहीं होगा, कोई मानेगा नहीं, आपकी कोई पहचान नहीं होगी, आप इस प्रकार से अपने आप को समझिए, प्रेम नहीं मिलेगा, स्नेह नहीं मिलेगा, जो आपकी क्रिएटिविटी है वो कभी बाहर निकल के नहीं आ पाएगी, आप ऊंची पोजीशंस तक नहीं जा पाएंगे। वहीं पे अगर आपके चार्ट में सन स्ट्रॉन्ग होगा तो आप अपने जीवन में देखेंगे कि सन के ही आशीर्वाद से हर प्रकार की चीज़ें आप करते चले गए, ऊँचे बढ़ते चले गए, बाकी का लगन चार्ट जो आपका बता रहा है, लेकिन सन उस पर हावी होके एक प्रकार से आपकी मदद करेगा अगर सन आपके चार्ट में ऐसी स्थिति में स्ट्रॉन्ग है। अब दूसरी बात क्या आ जाती है यहाँ पे, अब सन मान लीजिए हमारी पत्रिका में आत्मा कारक है अब की बार, और ये वाली स्थिति भी उत्पन्न हो रही है कि चंद्रमा हमारे नवमांश कुंडली में सूर्य की सन की राशि में बैठा हुआ है। अब
सन हमारे चार्ट में अब की बार आत्मा कारक भी बन गया, तो अब आप समझ सकते हैं सन अपने अंदर बहुत सी कथा कहानियां छुपाए हुए है। अब अगर आपके चार्ट में वो स्ट्रांग है तब तो आपकी गुड लक है, आप जानिए हर प्रकार का लाभ आपको मिलने वाला है, कहीं जन्मों से रिलेटेड शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, नाम यश अच्छा, पिता उनका साथ, पिता का भी अच्छा जीवन, हायर अथॉरिटी, धर्म, ऑनेस्टी, हर प्रकार की लॉयल्टी आपको मिलेगी, आप सबसे लॉयल रहेंगे, आपका नाम यश दबदबा बना रहेगा हर प्रकार से। और वहीं पे अगर सन आपके चार्ट में खराब होगा तो आपको जीवन में बहुत खराब समय से निकलना पड़ सकता है, पहचान चली जाएगी, कष्ट होगा, हेल्थ में, वेल्थ में हर प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको उठानी यहाँ पे पड़ सकती हैं, क्योंकि सन देखिए हेल्थ का सबसे बड़ा सिग्निफिकेटर है। तो अगर आपकी पत्रिका में ऐसी स्थिति में सन खराब हो गया तब आप समझ लीजिए हेल्थ, वेल्थ, नाम, यश सब खराब यहाँ पे कर देगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या देखना है। अब आपकी इसी ऐसी ही स्थिति में सन मान लीजिए आपका दारा कारक है, लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है। दारा कारक हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ पार्टनर को लेके। चंद्रमा नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है, सिंह राशि में, वो प्लैनेट इम्पॉर्टेंट बन के आया। सूर्य, अब सूर्य आपके चार्ट में दारा कारक भी है, लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट, वो आपके चार्ट में लगन में हो गया अब की बार खराब, तो यहाँ पे मैरिज भी चपेटे में आ गई। आपने देखा कि आपकी पत्रिका में सूर्य जो है वो बैठा हुआ है किसी और प्लैनेट के साथ, अब आपके चार्ट में लगन में चंद्रमा जो है वो नवमांश में, आपने पहचान लिया कि वो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट सूर्य है। अब जब उसको लगन में आपने एनालाइज किया तो आपको स्थिति पता चली कि हमारी स्थिति जीवन में क्यों खराब है और क्यों अच्छी है, हमको क्या ठीक करना है। साथ में सन जिस प्लैनेट के साथ बैठा होगा वो प्लैनेट भी आपके जीवन में के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। ये एनालाइज करने की बात है। आपके सन के साथ अगर मरकरी बैठा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, मरकरी जिन घरों का स्वामी है वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, मरकरी की दशा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। सन बैठा हुआ है शुक्र के साथ, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा शुक्र आपके लिए, शुक्र की दशा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए, वो आपके जीवन में आपको बनाने और बिगाड़ने वाली दशाएं हो सकती हैं। एक प्लैनेट सन आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो गया ये आपने देख लिया, कहाँ से, चंद्रमा नवमांश कुंडली में सिंह राशि में बैठा था तो आपके लिए सूर्य सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया। अब आपको पता है कि हमारे लगन चार्ट में वो कौन से घर का स्वामी है, कहाँ बैठा है, स्ट्रेंथ में है कि नहीं है, उसके साथ कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सन हमारे चार्ट में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, अब की बार फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, उत्तम स्थिति है हमारे लिए, अच्छा पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, संतान, यश, नौकरी, सब चीज़ें हमारे जीवन में परफेक्ट यहाँ पे हुई हैं अब की बार, वो हमें ये बताता है। अब मून आपके चार्ट में नवमांश चार्ट में बैठा हुआ है कर्क राशि में ही, वो वर्गोत्तम है, कर्क राशि में ही बैठा हुआ है। अब चंद्रमा अपनी ही राशि का अगर बैठा हुआ है उत्तम बात है, तब चंद्रमा ही आपके सबसे वो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा रिस्क भी रहता है। क्यों? क्योंकि जब चंद्रमा ऐसी स्थिति में आते हैं तो ये बात को याद रखिएगा कि अपने अंदर वो स्मृतियाँ तो बहुत सारी समेटे हुए होते हैं लेकिन साथ में बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं इमोशंस, क्योंकि देखिए चंद्रमा जाना जाता है जीवन में इमोशंस के लिए, चंद्रमा जाना जाता है हमारे मूड के लिए, हमारे हैप्पीनेस के लिए, हमारे जीवन में हर प्रकार के घर, प्रॉपर्टी, माताजी, खाना पीना, आनंद, घूमना फिरना, चंचलता के लिए, हर प्रकार का जिसको कहते हैं ना सुख, और हर प्रकार का सुख में सब चीज़ें आ जाती हैं लाइफ में, चाहे वो हमारी शादी का सुख हो, काम का सुख हो, सुख तो सभी चीज़ों का है ना, तो चंद्रमा उन सारी चीज़ों को फैक्टर में ले लेते हैं, या यूं कह लीजिए चंद्रमा उस सुख को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमको करने से कोई भी चीज़ मिल जाता है,
कई बार कोई आदमी कोई काम कर रहा है और वो छोटा काम है, उसको छोटे पैसे मिलते हैं, लेकिन वो चंद्रमा सुखी है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। और कई बार हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं, हम नेता अभिनेता और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन चंद्रमा हमको वो सुख प्रदान कर नहीं पा रहा है, वो चैन नहीं है, वो आनंद नहीं है, वो स्थिरता नहीं है जीवन में, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। तो हमें चंद्रमा जब हमारी पत्रिका में वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बनता है, तब ये बात बहुत पैरामाउंट हो जाती है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने चंद्रमा को समझे। अगर वो अपने चंद्रमा को नहीं समझेगा, अपने चंद्रमा के अनुरूप काम नहीं करेगा, तो उसके लिए तकलीफें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ये बात याद रखिएगा। और चंद्रमा जब नवमांश में अपनी ही कर्क राशि में बैठा हो और वो प्लैनेट चंद्रमा अगर बन जाए, तो हमें मालूम है कि अब हमारे लिए जीवन में सुख, हैप्पीनेस, माताजी, प्रॉपर्टी, घर, क्योंकि चंद्रमा हमारे जीवन में फोर्थ हाउस से रिलेटेड है। अब फोर्थ हाउस की जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी गाड़ी घोड़ा, घर मकान, प्रॉपर्टी, माताजी, हमारी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें फैक्टर में आ जाती हैं हमारे लिए। और चंद्रमा क्योंकि हमारे मन, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे मन की स्टेट है, ये वो स्टेट है जो हमको एक्सपीरियंस कराती है कि आपको सुखी रहना है या दुखी रहना है। कोई आदमी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, लेकिन फिर भी वो उसमें कंटेंटेड रहता है, वो सुखी रहता है, और कोई आदमी जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में ही बड़ा आहत हो जाता है, उसका मन बड़ा डरता है, घबरा जाता है, रोता है, कलपता है, परेशान होता है, उसको कई प्रकार के वहम हैं, फोबियाज़ हैं उसके, कई प्रकार के उसके जीवन में आप समझ लीजिए भाव भंगिमाएँ हैं उसके जीवन में, जो चलती रहती हैं, सवेरे कुछ, दोपहर में कुछ, शाम को कुछ। तो चंद्रमा उनके साथ बड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है लाइफ में, हर एक चीज़ को, जैसे कहते हैं ना, वो बड़ा बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं किसी चीज़ को। भाई किसी ने मान लीजिए झापड़ मारा किसी को, आपस में बहन भाई लड़ रहे हैं और भाई ने बहन को कुछ कह दिया। अब ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा ये वाला प्लैनेट इम्पॉर्टेंट बन के आता है, और अगर चंद्रमा चार्ट में ख़राब है, तो फिर ऐसी जो बहन जी होंगी या ऐसी बहन होगी, वो उस झापड़ की जो गूंज है वो बड़े लंबे समय तक सबको सुनाती रहेगी। ये वाली सिचुएशन को अराइज कर देता है। इसीलिए चंद्रमा जब आपका वो पैरामाउंट प्लैनेट बन के आए, तो ये अवश्य याद रखिएगा कि ये प्लैनेट बड़ा ही सेंसिटिव है। अब हमारे लगन चार्ट में ये चंद्रमा सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बन के आ जाता है, हमारे सुख का, हमारे दुख का, हमारे काम का, हमारे मूड्स का, ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है चंद्रमा। अब हमारे पत्रिका में अगर चंद्रमा अच्छा है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अब हमारी पत्रिका में अगर चंद्रमा खराब हो गया तो हमको बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बाल्यकाल में प्रॉब्लम, बचपने में जिसको कहा जाए वो प्रॉब्लम रह सकती है, हमें जीवन में एक सुख की हानि रह सकती है, हमारे जीवन में डिप्रेशंस रह सकते हैं, हमारे जीवन में फोबियाज रह सकते हैं, हमारे जीवन में वो वाली स्थिति आ सकती है जहाँ आदमी कहता है कि हमने सुख का एक दिन भी नहीं देखा, या हमारे पास सुख की सारी चीज़ें हैं लेकिन हम ही नहीं प्रसन्न हैं, हम ही जीवन में क्या करने आए थे, हमको समझ ही नहीं आया। तो चंद्रमा बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है ऐसी स्थिति के लिए, जब ये प्लैनेट बन के आता है नवमांश में, अगर चंद्रमा अपनी ही राशि का बैठा है। अब चंद्रमा आपके चार्ट में, लगन कुंडली में अगर शुभ बैठा हुआ है, तो हर प्रकार का आपको साहस, ढांढस, ऊर्जा, लाभ हर प्रकार की आपको प्रदान करेगा। भाई चंद्रमा तो वो प्लैनेट है ना, आपके मन को बलवान कर दे तो आप पहाड़ पर चढ़ जाएं, आपको डरपोक बना दे तो आप बिजली के कड़कड़ाने से भी बाहर ना निकलें। तो चंद्रमा तो देखिए वो वाला प्लैनेट है, ग्रह है। अब अगर वो हमारे पत्रिका में खराब बैठा है, राहु केतु शनि ऐसी स्थिति में, केमद्रुम योग में है, नीच का बैठा हुआ है हमारे चार्ट में, अब की बार मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, आठवें स्थान पे बैठा हुआ है, क्योंकि आठवां स्थान उसका मरण कारक होता है, छठे में और बारहवें में भी कोई वो बहुत अच्छा नहीं होता है चंद्रमा,
ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है, मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, हमें पता चल जाता है कि अब की बार जीवन में इस चंद्रमा से रिलेटेड हैवी कर्मा है हमारे साथ, हैवी कर्मा जुड़ जाता है ना ये प्लैनेट के साथ। ये बात याद रखिएगा, ये प्लैनेट अपने हिसाब से फिर अपना कर्मा वापस लेगा और देगा, जिसको कहते हैं चंद्रमा। अब अगर वो प्लैनेट बन के आया है और चंद्रमा आपके चार्ट में लगन में अब की बार स्ट्रांग बैठा हुआ है, तो ये याद रखिए आपको जीवन में हर प्रकार का सुख प्रदान वो कर देगा। और अगर नहीं सही बैठा हुआ है तो कर्मा के ही अंतर्गत आपसे हर प्रकार का सुख वो छीन लेगा। अब कई बार वो, अब चंद्रमा आपके चार्ट में कौन से घर का लॉर्ड है उसके हिसाब से वो वाली सुख जो है वो छीन सकता है आपसे। ऐसी स्थिति में अब मान लीजिए चंद्रमा नवमांश में आपका कर्क राशि में ही बैठा हुआ है और चंद्रमा ही वो प्लैनेट बन के आता है और चंद्रमा आपके चार्ट में अब की बार लगन चार्ट में सेवेंथ हाउस का लॉर्ड बन के आया है और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड बन के आने पे वो शनि राहु केतु और नीच का बैठा हुआ है, तो हमको तुरंत समझ जाना चाहिए कि भैया देखो ये शादी वादी से रिलेटेड बहुत हैवी कर्मा हमारे जीवन में है, मैरिज से लेके हमको पूरी इसकी गणित समझनी पड़ेगी, नहीं तो औंधे मुंह हम गिरेंगे। अब ये वाला पॉइंट भी होगा, अच्छा चंद्रमा अपने सुख को, बालकाल को, माता जी के जीवन में आए हुए कष्टों को, उनकी हेल्थ को, सारी चीज़ों को यहाँ पे बताता है। अब चंद्रमा हमारे चार्ट में अब की बार दारा कारक है, आत्मा कारक है, चंद्रमा हमारे चार्ट में मान लीजिए पुत्र कारक है, पुत्र कारक भी होता है जब आप देखेंगे अपने चार्ट में, आत्मा कारक होता है जैसे दारा कारक होता है वैसे ही पुत्र कारक होता है। अब पुत्र कारक का मतलब हो गया कि हमारे चार्ट में, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूँ कि जिनको और गहराई में चीज़ों को देखना होता है वो और गहराई में जाके देखे। कोई व्यक्ति कह सकता है ना कि देखिए चंद्रमा ये बता रहे हैं गुरुजी कि नवमांश में चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो वो वाला लॉर्ड इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो प्लैनेट तो चंद्रमा है। अब चंद्रमा हमारे चार्ट में संतान के घर से तो संबंधित है नहीं फिफ्थ हाउस से, तो हमको संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो व्यक्ति देखेगा जब उसको गहराई में जाके कि अरे चंद्रमा हमारे चार्ट में पुत्र कारक है, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में पुत्र कारक का मतलब होता है संतान का कारक, अरे चंद्रमा खराब है, बच्चों से रिलेटेड हमको समस्या आई, कुछ अबॉर्शन हो गए, किसी को दुख तकलीफ आई, अब हमें समझ में आया कि संतान की वजह से हम क्यों इतना ज़्यादा पीड़ित हैं अपने चार्ट में, वो ये बताता है। अब चंद्रमा ऐसी स्थिति में आपका जो है नति कारक बन के आ रहा है, अब नति कारक क्या होता है ये देखिए हमारा शत्रुओं से रिलेटेड होता है। अब हमको तो नहीं पता कि चंद्रमा हमारा नति कारक है, ये हमको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, ये हमको रोग ऋण झंझट दे सकता है, कोर्ट केसेस दे सकता है। हम तो कह रहे हैं कि अरे चंद्रमा हमारे चार्ट में कोई सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड तो है नहीं, लेकिन कोर्ट केसेस में फंसा दिया, बीमारी अस्पतालों के चक्कर में फंसा दिया हमको यहाँ पे। तब हम बाद में जब अपने चार्ट को एनालाइज करते हैं या देखते हैं गहराई में जाते हैं तब पता चलता है कि नहीं भाई, एक सूत्र से चंद्रमा तो हमारे चार्ट में नति कारक यानी कि सिक्स्थ हाउस का कारक भी बन के आ रहा था और अब की बार वो मेन प्लैनेट था हमारे लिए, तो हमें इन चीज़ों से रिलेटेड उसने काफ़ी प्रॉब्लम दी, रोग ऋण झंझट बने ही रहे हमारे जीवन में, तो हमको उन चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको प्लैनेट को एनालाइज करना है, देखना है, इसके आगे और भी और गहराई है, लेकिन एक वीडियो में प्लैनेट के बारे में बताना और उसके और चीज़ों को जोड़ना देखिए आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हाँ, ऐसी स्थिति में जैसे मैंने बताया साथ में चंद्रमा के जो भी प्लैनेट बैठा होगा वो भी देखिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अब अगर मित्र है तो बहुत बढ़िया चंद्रमा का, और अगर देखिए चंद्रमा से वो शत्रुता रखता है तब आपके लिए कठिनाई हो जाएगी। ऐसी स्थिति में चंद्रमा शनि महाराज के साथ बैठे हुए, अब आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा और शनि का योग वैसे ही डिफिकल्ट होता है, इसको विष योग कहा जाता है, मैं इसको विष योग नहीं कहता हूँ। चंद्रमा और शनि वैसे ही लोगों के लिए कठिनाई लेके आते हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब वो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट चंद्रमा बन के आ रहा था आपके चार्ट में,
और ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा और शनि बैठ जाते हैं तब आपको समझ आता है कि भैया अब जरा ज़्यादा गड़बड़ हो गई, यहाँ हमको ज़्यादा तकलीफ़ क्यों हो रही है, अधिक हमको प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं हमारे जीवन में, हमें वो समझ में आ जाता है। अच्छा, अब चंद्रमा नवमांश कुंडली में मान लीजिए बैठा हुआ है मंगल की राशि में, वो मेष में बैठा हुआ है या वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, तो अब मंगल हमारे लिए पैरामाउंट प्लैनेट हो गया। अब मंगल जाना जाता है जी साहस के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, विल पावर के लिए, कंपटीशन के लिए। अच्छा, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो एक चीज़ मैंने नहीं बताई है पहले सन के लिए और चंद्रमा के लिए, प्रोफेशन भी आ जाते हैं उसमें। अगर किसी की पत्रिका में जैसे चंद्रमा जो है वो नवमांश कुंडली में सिंह राशि में बैठा हुआ है तो सन इम्पॉर्टेंट हो गया, तो सन से रिलेटेड सारे प्रोफेशन, सारे काम, ये सब भी आप उससे जोड़ सकते हैं। चंद्रमा अगर नवमांश में कर्क राशि में बैठा है और व्यक्ति कह रहा है कि क्या मैं डॉक्टर लाइन में जा सकता हूँ या मैं कोई समुद्र से रिलेटेड पढ़ाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा मर्चेंट नेवी, ये सारे काम मैं कर सकता हूँ, कोई नर्सिंग बिल्कुल कर सकते हैं, फार्मेसी, चंद्रमा उससे जुड़ा हुआ है। और अगर वो प्लैनेट चंद्रमा बन के आता है ऑफकोर्स आप उससे रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। अब चंद्रमा नवमांश में बैठा हुआ है मंगल की राशि में, चाहे मेष में और चाहे वृश्चिक में। अब अगर वृश्चिक में बैठा होगा तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उसका लॉर्ड साथ में केतु भी होगा। तो अब अगर चंद्रमा नवमांश में मंगल की राशि में बैठे हुए हैं तो मंगल हमारे लिए पैरामाउंट हो गए। अच्छा, अब पैरामाउंट ये प्लैनेट हमारे लिए हो गया, वो आपका ऊर्जा, साहस, डिटर्मिनेशन, विल पावर, कॉम्पिटिशन, जीवन में भाईचारा, जीवन में आगे बढ़ते रहना, जीवन में मित्रों का सहायक, भाई बहनों का सहायक, यहाँ पे मंगल भाई बहनों का सहायक है, भूमि पुत्र है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, भाई से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, एक्सीडेंट से रिलेटेड, मंगल के जो कारक तत्व हैं, हर प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग, हर प्रकार के हैवी वर्क, अग्नि के काम, मिलिट्री, सर्जन, टेक्निकल, सिविल इंजीनियर, सारे। अच्छा, अब हमारे जीवन में ये पैरामाउंट फैक्टर आ गया मंगल को लेके। यहाँ पे हमारे जीवन में जब मंगल वो वाला प्लैनेट बनता है तो हमारे जीवन में वो रिसर्च, अकल्ट, किसी भी प्रकार का माइनिंग, किसी भी प्रकार का आप समझ लीजिए PhDs, एस्ट्रोलॉजी, ऐसा व्यक्ति के जीवन में वो बहुत रिसर्चर हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, वायरस बैक्टीरिया खोजने वाला, उन पे काम करने वाला, मतलब ये मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि वो इन डोमेन में भी जा सकता है। वो प्लैनेट अगर मंगल बन के आता है, चंद्रमा नवमांश कुंडली में मंगल की राशि में बैठा है और वो मंगल की राशि में बैठा है तो ये सारी ट्रेट उसके अंदर हो सकती है, उसके अंदर ऊर्जा हो सकती है, तेजी हो सकती है, कामों को बड़ा तेजी से निपटाने की भावना हो सकती है, उसके अंदर क्रोध, अग्नि, बदला हो सकता है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, मारा कुटाई हो सकती है। मंगल अगर वो प्लैनेट बन के आता है आपके चार्ट में, अब आपको देखना है वो मंगल हमारे लगन चार्ट में बैठा कैसे है, ये इम्पॉर्टेंट हो गया। अब अगर वो मंगल खराब है आपके चार्ट में तो आप समझ लीजिए जब मंगल खराब हो जाता है हमारे चार्ट में और आपको पता चल गया कि नवमांश चार्ट से वो प्लैनेट मंगल निकल के आ रहा है, चंद्रमा मंगल महाराज की राशि में बैठे हैं, अब वो मंगल निकल के जब आया और आपके आपके चार्ट में, लगन चार्ट में वो मंगल खराब हो गया, तो देखिए बहुत प्रकार की वो प्रॉब्लम्स दे सकता है। यहाँ पे मैं प्रॉब्लम्स बताने के लिए नहीं बैठा हूँ कि क्या लड़ाई झगड़ा, क्रोध, गुस्सा क्या करा देगा आपके जीवन में, कभी कोर्ट केसेस, कभी दुश्मनी, कभी ऋण, रोग, ऋण, झंझट, ये परेशान आपको कर सकते हैं इस मंगल की वजह से। जीवन में कोई ऊर्जा नहीं है, कोई साहस नहीं है, जीवन में कोई काम करने का आगे से बल नहीं है, जिसको कहा जाए ना, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं है, कोई ताकत नहीं है, करेज नहीं है, शारीरिक क्षमता नहीं है किसी चीज़ में ना। कोई आदमी कहता है हमारा शरीर ही नहीं उस प्रकार का जो हम मेहनत कर पाए, आधा घंटा काम करके 6 घंटा सोते हैं, ये वाला खेल चलता है हमारे साथ।
मंगल हमारे चार्ट में खराब है, अग्नि ही नहीं है हमारे जीवन में जो अग्नि जल रही हो। भाई अग्नि जब नहीं जलेगी तो ना खाना पचाएगी, ना काम कराएगी, ना दिमाग चलाएगी। तो मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ जो तीनों लेवल पे काम करता है, ये मैं बताता हूँ अपने बच्चों को भी जिनको पढ़ाता हूँ कि मंगल एक ऐसा प्लैनेट है सब नौ प्लैनेट्स में जिसके पास भरपूर ताकत है हर चीज़ की, दिमाग से रिलेटेड भी, फिजिकल रिलेटेड भी, और ये प्लेजर भी दिलाता है। क्योंकि जो मंगल के लगन के हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि उनको भरपूर काम करने के बाद भरपूर प्लेजर चाहिए, भरपूर आनंद चाहिए, और वो अगर नहीं मिलेगा तब भी तबाही है ऐसी स्थिति में। अब मंगल पैशन से रिलेटेड है। अब हमारे जीवन में अगर वो प्लैनेट मंगल बन के आता है और अगर हमारे चार्ट में वो खराब हो गया तो हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे हमारे जीवन में अब गड़बड़ी आ रही है, हमारे जीवन में कौन से मंगल, अब हमारे चार्ट में कौन से घरों का प्लैनेट था, वो हमारे में फोर्थ हाउस का लॉर्ड था, हमारे चार्ट में नाइन्थ हाउस का लॉर्ड था, और मंगल वो प्लैनेट बन के आया और मंगल खराब हो गया, माताजी, पिताजी, घर परिवार, भाई, पढ़ाई, एजुकेशन, भाग्य सब चौपट हो गए। अब अगर वो मंगल इस तरीके का लगन चार्ट में अब की बार इस स्थिति में बैठा हुआ है, हम समझ गए कि हमको क्यों इतनी दिक्कत आ रही है। अब उसके साथ और जो प्लैनेट्स बैठे होंगे वो भी बताएंगे कि इस ये मंगल और कौन सी कहानियां अपने साथ समेटे हैं, कौन से कर्मा अटैच हैं इस मंगल के साथ, वो सब आपको अब की बार भुगतने पड़ेंगे, अच्छे या बुरे। मंगल आपकी स्थिति अब चार्ट में अच्छा बैठा हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ें आपको उठानी पड़ेंगी। अब ऐसा सिनेरियो मान लीजिए कि चंद्रमा आपके चार्ट में बैठा हुआ है मेष राशि में, नवमांश कुंडली में, और मंगल आपके चार्ट में बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, मेष राशि में फर्स्ट हाउस में वो महाराज बैठे हुए हैं और बृहस्पति भी वहाँ पे बैठे हुए हैं साथ में। उत्तम मंगल है, उत्तम जीवन है, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, पिताजी, सपोर्ट, भाग्य, हर प्रकार का ये उत्तम स्थिति आपको इस मंगल की दिखाता है। आप अपने कर्मों द्वारा अपना भाग्य खुद रचा लेंगे, वो ये भी बताता है। मंत्री संतरी की पोस्ट पे, बड़े ऊंचे जनरल के पोस्ट पे मतलब पहुंच जाएंगे, वो ये भी बताता है आपको। तो मंगल अब आपके चार्ट में अगर बढ़िया बैठा हुआ है ऐसी स्थिति में, तो आप समझ गए कि हम ऊपर चले जाएंगे, लेके हर एक चीज़ में वृद्धि कर जाएंगे, क्षमताएँ इतनी होंगी, ऊर्जा इतनी होगी, इतना बड़ा सोचने का क्षमता रखेंगे यहाँ पे। भाई मंगल करेज है ना, ये वाला पहाड़ चढ़ लोगे कि नहीं चढ़ लोगे, हाँ चढ़ लेंगे, ऊर्जा है मंगल जिसको कहा जाए। और वहीं पे ये वाला 4 किलोमीटर चलना है, चलोगे कि नहीं, अरे भैया प्राण चले जाएंगे, 4 किलोमीटर क्या, 4 कदम चलते हैं तो हाँफने लग जाते हैं, मंगल ऊर्जा ही नहीं है चार्ट में यहाँ पे। तो मंगल हमको अब देखना है कि हमारी पत्रिका में अब की बार मंगल क्या रोल प्ले कर रहा है, कहाँ बैठा हुआ है, कौन से प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है जो हमारी पत्रिका के हैं, वो हमको शुभ फल साथ में देंगे, बुरे देंगे, उनकी दशाएं अच्छा फल देंगी कि नहीं देंगी, हमको पता चल जाए। ये एक प्लैनेट आपको जीवन में सब बता के रखता है, ये बात याद रखिए। अब चंद्रमा आपके नवमांश कुंडली में मान लीजिए बैठा हुआ है स्कॉर्पियो साइन में, उसके स्वामी भी मंगल हुए, लेकिन अब यहाँ पे उसके को लॉर्ड हो गए केतु भी। तो हमको अपने लगन चार्ट में देखना पड़ेगा मंगल की स्थिति और केतु की स्थिति, वो कहाँ बैठे हैं, कौन सा घर है, कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं, वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। आपका चंद्रमा नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है मान लीजिए वृश्चिक राशि में, और केतु अब की बार लगन चार्ट में बैठे हुए हैं 7th हाउस में, मैरिज इज अफेक्टेड, आप उसको समझ सकते हैं, मैरिज से रिलेटेड है आपके जीवन में कर्मा, गुड और बैड वहाँ पे बैठा हुआ केतु बताएगा, आपके 7th हाउस का लॉर्ड आगे से बताएगा आपके जीवन में, आपको वीनस बताएगा और आगे से। भाई हमको और एक परत दर परत देखना पड़ता है ना, लेकिन हमें बता दिया कि अच्छा ये मेन हमारे जीवन में आने वाला है 7th, केतु 7th में बैठा हुआ है, बिजनेस,
हमारा लाइफ पार्टनर, हमारे बिजनेस पार्टनर, बाहर की दुनिया में हमारा कंडक्ट, ये सारी चीज़ें फोकस में आने वाली हैं हमारे में, तो हमको पूरा ग्राफ समझ में आने लग जाता है। और फिर केतु जिस प्रकार की टेंडेंसीज देता है, जैसे वो एक स्पिरिचुअल एंगल है, धर्म का एंगल है, मोक्ष का एंगल है, एक कंटेंटमेंट का एंगल है जिसको कहा जाए, और एक फिर एंगल केतु का है हर प्रकार की मिस्टेक्स का, गलतियों का, अतृप्ति का, आदमी तृप्ति कभी नहीं है, कई प्रकार के पेंडिंग कर्मास का, हमारी मिस्टेक्स का, हमारे दोषों का, हम वो उन चीज़ों को भी देखिए उजागर करता है हमारे चार्ट में, केतु जहाँ पे भी बैठा होता है उनसे रिलेटेड। तो हमको पता चल गया चंद्रमा के द्वारा, नवमांश में वो वृश्चिक राशि में बैठे थे, मंगल और केतु ये दो इम्पॉर्टेंट हमारी पत्रिका में प्लैनेट हैं, बढ़िया बैठे हैं तो बढ़िया, और ख़राब बैठे हैं तो वेलकम टू द डांस, बहुत गड़बड़ हो जाएगी वहाँ पे। अब चंद्रमा आपके चार्ट में नवमांश कुंडली में मान लीजिए बैठा हुआ है शुक्र की राशि में, तुला में और या टॉरस में बैठे हुए हैं नवमांश कुंडली में। अब शुक्र महाराज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गए आपके चार्ट में। अब शुक्र महाराज जैसे ही इम्पॉर्टेंट हुए, वैसे ही हमें पता चल गया कि भाई सुंदरता, रिफाइननेस, फाइननेस, क्रिएटिविटी, भोग, खाने पी, अच्छा भोग का मतलब हर प्रकार का भोग होता है, जैसे सुख का मतलब भी हर प्रकार का सुख होता है चंद्रमा के लिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो भोग का भी मतलब हर प्रकार का भोग होता है ना, अच्छी शर्ट पहनने का भोग, अच्छा दिखने का भोग, अच्छे मकान का भोग, अच्छे खाने का भोग, अच्छे लाइफ पार्टनर सेक्सुअल, इन सारी चीज़ों का भोग, तो भोग हर एक चीज़ का है। अब शुक्र अगर वो प्लैनेट बन के आता है तो ये दिखाता है हर प्रकार का मैरिज, रिलेशनशिप, पीस, शांति, न्यूट्रलिटी, हमारे लाइफ में हर प्रकार का भोग, रिसोर्सेज, हमारे जीवन में हमारा बोलना, क्योंकि ये मत भूलिएगा शुक्र जैसे ही वो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बनता है तो तुरंत अपने, जिसको कहते हैं ना, घोड़े हर तरफ दौड़ा देने चाहिए। अच्छा ये काल पुरुष की कुंडली में तो शुक्र टॉरस को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारी स्पीच को, हमारे घर को, परिवार को, खाने को, पीने को। अच्छा मतलब शुक्र अगर हमारे चार्ट में अब वो वाला प्लैनेट बन के आया तो हमारी क्या भाषा के ऊपर भी पकड़ बनाएगा आपकी बात, चाहे वो हमारी पत्रिका में सेकंड हाउस का लॉर्ड है कि नहीं है, बिल्कुल तब भी वो बनाएगा, ये बात याद रखिए। वो आपके चार्ट में अब की बार जहाँ बैठा होगा वो बताएगा अब की बार कि आपकी भाषा किस प्रकार की है। मान लीजिए चंद्रमा आपके नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है तुला राशि में, और शुक्र अब आपको पता चल गया कि वो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बन गया, और जैसे मैंने आपको कहा अभी कि मान लीजिए वो शुक्र आपके लगन कुंडली में फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, कुंभ राशि में बैठा हुआ है, उदाहरण दे रहा हूँ, एक कुंभ राशि में ऐसा शुक्र बैठा हुआ है और चंद्रमा नवमांश में तुला में बैठा हुआ था, अब वो मेन इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बन के आया शुक्र, तो अब शुक्र यहाँ पे बैठा, मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार की भाषा में वो असर डालेगा। अब जब वो कुंभ राशि में फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, इसका मतलब लगन बन के आपका आया वृश्चिक स्कॉर्पियो, सेकंड हाउस में पड़ती है धनु राशि। अब धनु राशि का मतलब होता है कि भाई ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत डोमिनेटिंग एक बात करने वाला होता है ना, परिपक्वता वाली बात, सत्यता वाली बात, ऐसा ही होगा, यही करना है, ये वाले पॉइंट्स पे। ये सेकंड हाउस उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके, लेकिन अब शुक्र, मैंने आपसे कहा कि पैरामाउंट है, और शुक्र एक तरीके से भाषा के ऊपर या वाणी के ऊपर भी अब कंट्रोलर बन गया आपके, चाहे वो सेकंड हाउस का लॉर्ड नहीं है आपकी बार, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि वो सेकंड हाउस का लॉर्ड होता है और शुक्र अब की बार मेन प्लैनेट बन के आया है आपके लिए, अब वो कुंभ राशि में बैठा है, तो आप ऐसे भी बात करेंगे जहाँ पे आपको आनंद मिले। कुंभ राशि इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन, टेक्नोलॉजीज, किस प्रकार से लाभ, आनंद,
मिलता रहे जीवन में, ये सारी भी बातें आएंगी। धनु राशि जो वृश्चिक लगन में सेकंड हाउस में पड़ती है, अब उसके अनुरूप नहीं रह गए आप बोलने में। अब आपका शुक्र को इच्छा है भैया खाने की भी, पीने की भी, बात भी करने की, और कुंभ राशि में हर प्रकार की सीक्रेसी भी है, वो बहुत सीक्रेटिव बातें भी करेगा, घुमावदार बातें भी करेगा, गोलमोल बातें भी करेगा। और धनु राशि वाले तो बड़े स्पष्ट हैं, स्पष्टता से कोई बात कह दी, लेकिन वो फिर भी उसकी बातों के अंतर्गत अब शुक्र क्योंकि कुंभ राशि में बैठा है तो बड़ा दुराव छुपाव हो गया, वो क्या देखेगा, क्या सुनेगा और क्या सोचेगा और क्या बोलेगा, सब डिफरेंट हो गया, समझ लीजिए। अच्छा, अब शुक्र जो है वो मैरिज से रिलेटेड, भोगों से रिलेटेड है। अब हमारी पत्रिका में शुक्र अगर वो प्लैनेट बन के आया तब हमें समझ में आ गया कि हमारे जीवन में भोग, शादी, बिजनेस, फॉरेन, ये सारी चीज़ें प्रमुखता से बाहर आ सकती हैं। हमारे जीवन में परिवार से, पैसे से, रिसोर्सेस से, बिजनेस से, ये वाले एंगल भी बन के आ रहे हैं। शुक्र उन सारी चीज़ों का द्योतक है, क्रिएटिविटी का, फिल्म लाइन, इंटरटेनमेंट, ब्यूटी, ब्यूटी पार्लर, इंटीरियर, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल चीज़ों में जाना, शुक्र इन सारी चीज़ों का रिलेटेड है। होटल हमको करना है, बैंक्वेट हमको करना है, हमको खाना, टूरिज्म में जाना है, शुक्र इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो गया आपके लिए। अब आपको पता चल गया, अच्छा शुक्र ये इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, ये करा रहा है हमारे साथ, ये करा सकता है, तो अब आपको पता चल गया। अब आपके चार्ट में अगर शुक्र खराब है तो आपको पता चल गया हमको जीवन में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी, कहाँ कहाँ हमको चुनौतियाँ आएंगी। वहीं अगर आपके चार्ट में शुक्र अच्छा है तो वो हर प्रकार का आपको लाभ देगा। अब देखिए ऐसी स्थिति में होता क्या है, आपके नवमांश चार्ट में चंद्रमा बैठे हुए हैं शुक्र की राशि में, शुक्र आपके चार्ट में अब की बार बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में। अब मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ सिर्फ, मान लीजिए शुक्र यहाँ फोर्थ हाउस में बैठे हैं, व्यक्ति का जीवन बड़ा अच्छा तो चला, उसने कहा कि जीवन में मेरे जो है वो मुझे हर प्रकार का खाना पीना, कपड़े, पढ़ाई लिखाई, सुख, हर प्रकार का आमोद प्रमोद मुझे सब कुछ मिला है यहाँ पे। लेकिन उसके जीवन के कई ब्लैक हिस्से भी हो सकते हैं, कई ब्लैक हिस्से हो सकते हैं। इसके बावजूद भी शुक्र अगर ऐसी स्थिति में फोर्थ में बैठा है तो आदमी ने आनंद तो ले लिया, हो सकता है वो व्यक्ति अपने काम में इतना निपुण ना हो, हो सकता है वो व्यक्ति का मान सम्मान कभी गया हो किसी अपने ही कारणों से, अपनी ही आदतों से, अपने ही बिहेवियर से, हो सकता है उसका एक लाइफ का पार्ट बहुत अच्छा ना हो, सुख उसको फिर भी मिल रहे हैं क्योंकि शुक्र वहाँ फोर्थ में बैठा है, उसने गारंटी कर दी है भैया पूर्व जन्म में आपने मुझसे रिलेटेड बड़े शुभ काम किए थे, अब की बार मैं फोर्थ में बैठा हूँ, जो कुछ भी करो आनंद में तुमको प्रदान करूँगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में चुनौतियों से, परेशानियों से, कष्ट से होके नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में चाहे फोर्थ में बैठा है लेकिन अब किसके साथ बैठा है, कौन देख रहा है, शुक्र कौन से घरों का लॉर्ड्स होके चौथे में बैठा हुआ था, सारी चीज़ें देखिए आप अगर उसको एनालाइज करेंगे तब आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कि अगर एक तरफ तो बता रहे हैं गुरुजी कि चंद्रमा अगर नवमांश में तुला राशि में या टॉरस में, वृष में बैठा हुआ है और ये शुक्र हमारे अब की बार लगन चार्ट में सुंदर स्थिति में बैठा हुआ है तो हमको लाभ ही प्राप्त होंगे, शुभ फल ही प्राप्त होंगे, बुरे फल क्यों फिर बता रहे हैं। बुरे फल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, इसके साथ तीन चार स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। शुक्र आपके चार्ट में बढ़िया बैठा है, बहुत बढ़िया है, आपकी शादी अच्छी हो गई, आपको खाने पीने को मिल रहा है, सब चीज़ें, क्या शुक्र ऐसा आपको डायबिटीज़ नहीं दे सकता है? क्या शुक्र आपको कुछ मामलों में व्यभिचारी नहीं बना सकता अगर राहु के साथ बैठा है? अब की बार शुक्र आपको जीवन में खाने पीने वाला नहीं बना सकता है जिसकी वजह से आपने अपनी सेहत का सत्यानाश कर लिया? ये सारी चीज़ें भी साथ में जुड़ी हुई हैं ना, मैं वो बात कह रहा था। तो शुक्र हमारे चार्ट में पैरामाउंट बन के आ गया, अब की बार वो हमारे लगन चार्ट में कौन से घरों का स्वामी है वो चीज़ भी पैरामाउंट बन के आ गई,
कहाँ बैठा हुआ है शुक्र, वो भी पैरामाउंट बन के आ गया हमारे जीवन में, हमको पता चल गया अच्छा शुक्र मेन प्लैनेट है हमारे लिए। अब अगर वो हमारे चार्ट में बढ़िया बैठा हुआ है तब तो हमारी पौ 12 हो गई यहाँ पे, और अगर वो हमारे चार्ट में खराब है तो हमको स्ट्रगल्स होंगे। शुक्र अगर खराब हो जाता है तो एक तरीके से ये बात मान के चलिए जीवन में रोज मरण जैसी अवस्था होती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये दोनों मारक हाउसेस का लॉर्ड है, सेकंड और सेवेंथ। ये दोनों लॉर्ड काल पुरुष की कुंडली में मारण या मरना भी बताते हैं, मारक हाउसेस हैं ये। इसका मतलब शुक्र अगर हमारी पत्रिका में खराब बैठा है तो जीवन में हम ये भी कह सकते हैं कि रोज मर मर के हमको जीना पड़ रहा है। अब वो मर मर के जीना कई बार हमको हमारे अपने स्वयं की आदतों की वजह से हो सकता है, हमारे जीवन में विवाह की वजह से हो सकता है, या और कई चीज़ें जो वो शुक्र अब की बार लगन चार्ट में आपके बता रहा है। तो आपको पता चल गया कि शुक्र मेरे लिए बढ़िया है, क्यों मुझे ये इंटरटेनमेंट लाइन, फिल्म लाइन, क्रिएटिविटी, पेंटिंग, सॉन्ग्स, ये सब मुझे क्यों अच्छे लगते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे चार्ट में शुक्र है, फाइन आर्ट्स है, आर्ट्स है, हर प्रकार का उनका कारक है शुक्र महाराज। तो व्यक्ति समझता है क्यों मेरी इंक्लिनेशन इतनी ज़्यादा इसके साथ है, चाहे मैं इंजीनियर हूँ, इंक्लिनेशन क्यों बन रही है इतनी ज़्यादा इसके साथ। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स हैं वो सब वीनस से ही रिलेटेड हैं, फाइनेंस, बैंक, बिजनेसेस, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, फॉरेन रिलेटेड मैटर्स, वो वीनस उसमें भी देखिए आ जाता है। तो आपको नहीं मालूम है ना इतने कारक तत्व, आपको नहीं मालूम है कितना एक्सपेंशन है वीनस का। तो लेकिन वीनस अब आपके लिए पैरामाउंट है, जितना आपको पता है, जितना आप जान सकते हैं वीडियोस के माध्यम से, उतना स्पष्ट आपके जीवन में हो जाता है। मतलब जितना आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अच्छा शुक्र हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, शुक्र हमारे जीव अब की बार हमारे चार्ट में फोर्थ और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है, उदाहरण के तौर पे हमारे घर परिवार, एजुकेशन, पिताजी, हायर एजुकेशन्स, और भी बहुत सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, हमारे टीचर से रिलेटेड है, हमारे लाइफ में सुख से रिलेटेड है, और शुक्र हमारे चार्ट में अब की बार अच्छा बैठा हुआ है, अच्छा हमारे जीवन में सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से हो जाएंगी। अब शुक्र ऐसी स्थिति में, हमारी स्थिति में खराब है, गड़बड़ हो गया, शुक्र हमारे चार्ट में आत्मा कारक है, अब हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट हो गया वो, तो हमको अब समझ में आ गया, अब ऐसी स्थिति में वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, अब हमारी स्थिति और दिक्कत वाली बन गई यहाँ पे ना। रेट्रोग्रेशन का मतलब हो गया शुक्र से रिलेटेड जो हमारे सुख हैं, या तो वो हमको और बढ़ चढ़ के मिलेंगे। ये मैं बता दूँ, शुक्र देखिए कोई भी शुभ प्लैनेट अगर अपनी शुभ स्थिति में बैठा हुआ है अच्छे स्थानों में, और वो अगर वक्री है तो वो याद रखिए वो भरपूर आपको शुभ फल प्रदान करेगा। कोई व्यक्ति ये कहे कि बृहस्पति अगर बैठे हुए हैं फोर्थ हाउस में, उच्च के हैं और वक्री हैं, तो वो खराब फल हमको देंगे, बिल्कुल खराब फल नहीं देंगे, ज़्यादा अच्छा फल प्रदान करेंगे, ये बात याद रखिएगा। जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं हमारे चार्ट में, भाई ऐसा व्यक्ति अच्छा होता है, वक्री है, ज़्यादा अच्छा है, ये बात को इस तरीके से समझ लीजिए। अब जो मैं कह रहा था आपसे, हाँ तो चंद्रमा आपका बैठा हुआ था शुक्र की राशि में, आपको पता चल गया कि हमारे चार्ट में शुक्र भैया मेन प्लैनेट बन के आ रहा है, हमको देखना है उसको, एनालाइज करना है हर एक रूप में। ये हमारा दारा कारक है, लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, विवाह से तो हमें पता ही है भाई कि उसका कारक है, पैशन से संबंधित है, लव से संबंधित है, रिलेशनशिप से संबंधित है, हमें पता है कि भाई ये सारी चीज़ें अब हमारे जीवन में हमको साथ देंगी, मिलेंगी, या इनसे रिलेटेड हमारा कर्मा जुड़ा हुआ है, बैड कर्मा, गुड कर्मा, वो हमको भोगना पड़ेगा। क्योंकि कई बार खुद को समझ लेना चाहिए ना भाई, किसी दूसरे को ब्लेम करने के बदले में हमारी बहन ऐसी है, अरे हो सकता है भैया आपको आपकी बहन का कर्जा उतारना हो, आपको उतारना पड़ रहा है आपको उसमें, बहन का, भाई का, चाचा का, मामा का, शादी का, हो सकता है आपको वो कर्मा उतारना हो। अब वो प्लैनेट आपसे वो कर्मा उतरवा रहा है, आपको उस चीज़ को रियलाइज करना चाहिए ऐसी स्थिति में। अब चंद्रमा बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, मान लीजिए
शनि की राशि में बैठे हुए। अब शनि की राशियां हैं मकर और कुंभ, नवमांस में वहां बैठा। अब शनि महाराज आ गए पिक्चर में, अब हमें पता चल गया कि हमारी लाइफ डिलेज, हमारी लाइफ ऑब्स्ट्रक्शंस, हमारी लाइफ लाइफ में सैडनेस, हर प्रकार का जिसको कहा जाए धीरज, हर प्रकार का दुख, लड़ाई झगड़ा, कंपटीशन, बुरे से बुरे हालातों से होके निकलना, जीवन में शहर छोड़ देना, देश छोड़ देना, घर छोड़ के भागना पड़ जाना, हॉस्पिटल्स, क्योंकि शनि देखिए दुख का कारक है, सौरव का कारक है। अब चंद्रमा अगर नवमांस कुंडली में शनि की राशि में बैठे हुए हैं और हमारे चार्ट में शनि अब वो पैरामाउंट प्लैनेट बन के आ रहा है, तो वो आपसे कह रहा है बड़ा सहजे जीवन से कि भैया देखो दुनिया में बड़ा डिसिप्लिन से, रूल से, रेगुलेशन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, धीरज से, समझदारी से, ज्ञान से, मैच्योरिटी से, परफेक्शन से, धीरे धीरे काम करो उसमें परफेक्ट हो, इस तरीके के परफेक्शन से भाई, जैसे हम करेंगे तो परफेक्शन तो आ ही जाएगा ना हमको। तो सैटर्न इन चीज़ों के बारे में बताता है, आपको जीवन में कई बार दुखों से निकलना पड़ सकता है, कष्टों से निकलना पड़ सकता है, पेन से निकलना पड़ सकता है, कई प्रकार के द्वंद आपको लड़ने पड़ सकते हैं, कई प्रकार के एक्सट्रीम पेन आपको देखने पड़ सकते हैं, कई प्रकार से चीज़ें आपसे दूर जा सकती हैं, आपको दूर जाना पड़ सकता है, वो ये सब चीज़ें बताता है, क्योंकि शनि इन्हीं चीज़ों के लिए जाना जाता है। फिर शनि जाना जाता है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कर्मा के लिए, ये उत्तम कर्म, आपका काम, नौकरी, बिजनेस, हर एक चीज़, करियर इज पैरामाउंट, आपको कोऑर्डिनेशन, लोगों के साथ मिलना जुलना, दोस्ती यारी, काम के माध्यम के हिसाब से आप कह सकते हैं ना कि मैं दोस्तों के साथ, लोगों के साथ, समाज के साथ, माता पिता के साथ, सैटर्न ऐसी स्थिति में, मान लीजिए चंद्रमा आपका नवमांस चार्ट में बैठा हुआ है मकर राशि में और शनि महाराज बन के आते हैं वो लॉर्ड, अब आपके चार्ट में वो जब शनि बन के आएंगे वो इम्पॉर्टेंट लॉर्ड, तो आपको जीवन में सबके साथ कोऑर्डिनेशन से चलना पड़ेगा ताकि आप अपना काम निकाल पाएँ सहजे तरीके से, उनके साथ आप बना के रख पाएँ, नहीं तो चीज़ें टूटती चली जाएंगी ना, घर के भी लेवल पे, बाहर के भी लेवल पे, हर एक लेवल पे चीज़ें टूटती चली जाएंगी। सैटर्न ये कहता है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, मन से ना जुड़ो, काम के लिए तो जुड़े रहो भैया, तुम्हारा यहाँ काम है, समझदारी से काम लो, ये नहीं है कि यहाँ हम ऑनेस्ट बन गए, यहाँ हम क्रोधी बन गए, यहाँ हम अपने मन के मालिक बन गए, हमारे ऊपर क्योंकि चार्ट के और 100 फोर्सेस काम कर रही हैं हमारे जीवन पे, अब हमने उन सारी चीज़ों के अंतर्गत अपना सत्यानाश करा लिया, कई बार हमको अपना काम बनाना है, काम चलाना है, काम करते रहना है, हमको कई बार आइसोलेशन में ही रहना है, सैटर्न उससे रिलेटेड है, वो कह रहा है कुछ भी कर लो हम तुमको अकेले रखेंगे, कमरे में बंद करके तुम्हारे पास बीवी है, बच्चा है, काम है, नौकरी है, अकेले रहोगे, अलोन, फिर भी आप अकेले रहोगे, वो ये बताता है। कई लोगों के लिए सैटर्न ये चीज़ शो कर रहा होगा, अब हमें पता चल गया कि वो प्लैनेट सैटर्न है, तो हमारे जीवन में सैटर्न से जुड़ा हुआ कर्मा अब हैवी हो जाएगा, हमको जीवन में सैटर्न जो है वो इंडिपेंडेंट काम, कोई इंडस्ट्रीज़, कोई अब जिस जितना भी उसका डोमेन है, वो टेक्निकल डोमेन भी है, छोटे काम भी हैं, कोई क्लेरिकल काम, कोई छोटे छोटे काम करने वाले, कोई दुकान लगाने वाले, कोई ये करने वाले, सारे जो छोटे वाले काम होते हैं वो सारे सैटर्न के अंतर्गत भी आते हैं, और सैटर्न के अंतर्गत हर प्रकार का आप समझ लीजिए ऊंचा काम, सरकारी काम, टेक्नोलॉजी, आपका हर प्रकार की टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हर प्रकार का ज्ञान, रिसर्च, ये सारी चीज़ें आती हैं, रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ये सब भी आप मान लीजिए सैटर्न से ही रिलेटेड ये सारे काम भी हैं जो उन चीज़ों की ओर वो इशारा कर रहा है, और वो हमारे लिए प्रोमिनेंट बन जाते हैं काम को लेके भी, जिसको कहा जाए, लेकिन काम में धीरज लगे हुए हैं, ऊब हो रही है, मोनोटोनस बना आ रहा है, एक ही तरीके का काम है, हम एक जगह काम नहीं कर सकते, हम लंबे लेवल तक की काम नहीं कर सकते, 6 साल एक कंपनी में, 6 साल एक काम में, 6 साल एक ही चीज़ को करते रहो, हम वो नहीं कर सकते,
सैटर्न अगर पैरामाउंट प्लैनेट बन के आ रहा है तो शायद वो आपको यही करने के लिए कह रहा है, आपको यही करना पड़ रहा है, आपको यही करना पड़ सकता है, वो ये भी आपको बता रहा है यहाँ पे। तो शनि जब इस प्रकार के प्लैनेट बनते हैं तो हमको पता चलता है कि भैया हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक जो बैड इफ़ेक्ट्स है शनि महाराज के, जो मैंने आपको बताया, देर, लेथार्जी, लेजीनेस, जीवन में काम ना कर पाने की क्षमता, हमारे जीवन में करियर ही नहीं है, प्रोफेशन ही नहीं है, पैसा कमाने का कोई स्रोत ही नहीं है, कोई सूत्र ही नहीं है, क्या करे, कहाँ जाए, क्या, कुछ पता ही नहीं है। काम कर सकते हैं लेकिन हजारों वजहों से काम नहीं कर पा रहे हैं सैटर्न महाराज। वो आपको बता रहे हैं कि ठीक है भैया, हम तुमको फंसाए रखेंगे, करो ना, ना पैसा, ना काम, ना मान सम्मान, वो तो दूर की बात हो गई। अब सैटर्न हमारे चार्ट में ये है, कभी कभार ये बता सकते हैं, कभी कभार बड़ा हैवी कर्मा बता सकते हैं, और हैवी कर्मा में बहुत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें रोग, ऋण, झंझट, परेशानी, घर खराब, घर की पोजीशन खराब, उसके बाद भी जीवन में बड़े पेंडिंग कर्मा, उसको निभाते निभाते आदमी परेशान हुआ चला जा रहा है। और वहीं पर अगर सैटर्न अब की बार हमारे चार्ट में बढ़िया बैठा हुआ है, उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है, आहा, बहुत बढ़िया हो गया, आपके जीवन में सैटर्न आपको हर प्रकार का उत्कृष्ट कर्म करवाएगा। शुरुआत से समझदार, धीरज, पेशेंस, ज्ञानी, हर एक चीज़ को समझने वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिसिप्लिन, जिसको कहा जाए ना, हमको पहले से ही ये पता है, जैसे इनको पहले से ही पता है क्या करना है, भैया इनकी लाइन क्लियर है, बात क्लियरिटी से करते हैं, समझदारी से करते हैं, बैलेंस है हर एक चीज़, न्यूट्रलिटी है, लॉफुल है, सारी चीज़ें इनके पास जीवन में हैं। ज़बरदस्ती के लिए किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ज़बरदस्ती के लिए कोई ईगो नहीं है इनका, बस मेन काम यह है कि भैया काम चलाओ, काम करो, अपने ड्यूटीफुल रहो जीवन में, सबके साथ बना के रखो, ये वाली चीज़ें। सैटर्न इस प्रकार के आपको फल दे रहा है। अब सैटर्न अब की बार लगन चार्ट में सुंदर स्थिति में बैठा हुआ है, अपनी राशियों का, मित्र राशियों का बैठा है, बड़े सुंदर फल आपको प्रदान करेगा। वहीं सैटर्न अगर खराब है तो आपको बुरे रिजल्ट्स प्रदान कर सकता है, और आपको अब पता है कि बुरे रिजल्ट हमको किस वजह से प्राप्त हो रहा है, वो कौन से घरों का लॉर्ड है, वो भी बताएंगे कि कौन कौन से घरों का लॉर्ड है, वो चीज़ों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है या शुभ फल मिल सकता है। कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है सैटर्न के साथ वो भी देखिए, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है यहाँ पे। अब ऐसे सैटर्न के साथ मान लीजिए किसी का केतु बैठा हुआ है, वो तो सैटर्न और केतु की वजह से अपने चार्ट में मान लीजिए वो वैसे ही थोड़ा सा परेशान है, और ऐसी स्थिति में चंद्रमा जब नवमांश में शनि की राशि में बैठा है और ऐसा शनि केतु के साथ बैठा है, तब ये और अलग कोई स्टोरी आपको शनि और केतु बता रहे हैं, किसी अलग टाइप के कर्मा की स्टोरी फिर बता रहे हैं। दैट कैन बी वेरी गुड एंड दैट कैन बी वेरी बैड, ये बात याद रखिएगा। शनि हमारे पत्रिका में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बन के आए हैं, सेवेंथ हाउस के लॉर्ड हैं, दारा कारक हैं, आत्मा कारक हैं, पुत्र कारक हैं, ये सब हमको देखना पड़ता है। अब चंद्रमा नवमांश कुंडली में बैठे हुए हैं हमारे चार्ट में, मान लीजिए बृहस्पति की राशियों में, धनु में और मीन में बैठे हुए हैं। अब बृहस्पति महाराज हमारे लिए पैरामाउंट होगा, बहुत उत्तम बात है। अब बृहस्पति किस चीज़ों के लिए जाने जाते हैं? ज्ञान के लिए, विद्या के लिए, मैग्निमिटी के लिए। वो बहुत एक्सप्रेसिव हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा जीवन में जिसको कहा जाए ना, धर्म, नियम, रूल, रेगुलेशंस, ज्ञान, आनंद, धन, वेल्थ, अच्छे परिवार के, अच्छे ज्ञान के, संतान के, पिता के, गुरुजनों के, बड़ों के, धर्म के, हमारा सरकारी सेवाओं के, शिक्षण संस्थानों के, बैंकिंग के, लॉ के, फाइनेंस के, कंसल्टेंट हैं वो, हर प्रकार का फॉरेन रिलेटेड जितना भी काम है, बिजनेस है, उन चीज़ों से रिलेटेड जुपिटर हैं। फॉरेन से रिलेटेड हमारा गुड स्टे है, जुपिटर इज़ ऑल्सो अ गुरु, जुपिटर इज़ टीचर, जुपिटर इज़ ज्ञान, जुपिटर इज़ गुरु इन एवरीथिंग। ये नहीं है कि जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वही गुरु हैं, नहीं, वो हर प्रकार का गुरु वो हो सकता है, कोई मेडिटेशन में है, कोई किसी थेरेपीज में है, वो किसी भी प्रकार का वो गुरु हो सकता है,
जहाँ पे वो व्यक्ति को कुछ सिखाता है, कुछ ज्ञान देता है, वो उस प्रकार का गुरु हो सकता है। वो शायद आपको जीवन से मुक्त होने सिखाने वाला गुरु हो, जैसे आप समझ लीजिए कई प्रकार के जो गुरु महाराज आजकल चलते रहते हैं, एंड दे टेल यू हाउ टू लिव लाइफ, हाउ टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम लाइफ, वो इस तरीके के गुरु हो सकते हैं। ये हर प्रकार की इंजॉयमेंट भी बताता है, स्पिरिचुअलिटी भोग देते हैं हर प्रकार का। ये मत सोचिए कि बृहस्पति महाराज भोग नहीं प्रदान करते हैं, वेल्थ के सबसे बड़े सिग्निफिकेटर हैं जुपिटर, वो सब चीज़ें प्रदान करते हैं। संतान के कारक हैं स्त्रियों के लिए, पति के कारक हैं। अब बृहस्पति महाराज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गए हमारी लाइफ में, हमें पता चल गया, तो अब इसका मतलब सारा का सारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर बृहस्पति के ऊपर आ गया हमारी लाइफ में। अब अगर हमारे चार्ट में बृहस्पति अच्छे हैं, बड़े बहुत बढ़िया बैठे हुए हैं, तो हमें पता है हमको हर प्रकार का गुडविल मिलेगा, हमको अच्छा घर परिवार रिसोर्सेज मिलेंगे, हम स्वयं अच्छा बोलने वाले होंगे, अच्छा हमारा चरित्र होगा, आचरण होगा, हमारे संतान बहुत अच्छी निकलेगी जीवन में, पढ़ाई लिखाई में हमारे बाधा नहीं आएगी, हम हर प्रकार के गुरुजनों का बड़ों का सबके साथ समन्वय करके चलेंगे। बृहस्पति हमारे चार्ट में है छोटे और बड़े दोनों के साथ हमारा समन्वय जीवन में बड़ा अच्छा है, बड़ा मधुर रहता है ऐसे व्यक्ति का। ऐसे व्यक्ति के जीवन में वेल विशर्स भी बहुत हैं, वो साथ देने वाले हैं, जैसे कह रहे हैं ना अदृश्य शक्ति कोई काम कर रही है, प्रभु ही का हाथ इतना ज़्यादा है, ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि धर्म और स्पिरिचुअलिटी के साथ भगवान भी आते हैं, ब्लेसिंग्स भी आती हैं, तो उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं बृहस्पति महाराज। तो अब हमको पता है कि अब हमारे चार्ट में बृहस्पति ही मेन प्लैनेट है, हमको उस तरीके से बिहेव करना चाहिए, रहना चाहिए। क्या हम उस प्रकार से रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, अब हमारी स्थिति में लगन में वो बृहस्पति कैसी स्थिति में बैठा है, कहीं नीच के हो गए, मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठे हुए हैं, प्रताड़ित हैं, कंबस्ट हैं मान लीजिए, और ख़राब स्थिति में बैठे हुए हैं, खराब घरों में बैठे हैं, मरण कारक में बैठे हैं, थर्ड में, सिक्स्थ में बैठे हैं, एट्थ में बैठे हैं, ट्वेल्थ में बैठे हैं, टेंथ में बैठे हैं, ये सब थोड़ी सी स्थितियाँ उनके लिए बड़ी अनुकूल नहीं होती बृहस्पति महाराज के लिए। शत्रु राशि में बैठे हैं कि मित्र राशि में बैठे हैं, हमारे चार्ट में अब की बार वो कौन से घरों के स्वामी बन के आए हैं, क्योंकि बृहस्पति की ब्लेसिंग्स हमको कहाँ से प्राप्त हो रही हैं, अब हमको ये भी देखना ज़रूरी है। वो घर भी प्रोमिनेंट आपके लिए हो जाएंगे, बृहस्पति कौन से प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है वो भी प्रोमिनेंट आपके साथ लिए हो जाएंगे। अब बृहस्पति मान लीजिए ऐसी स्थिति में किसी के राहु महाराज के साथ बैठा हुआ है, अब बट नेचुरल है बृहस्पति तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थे, अब वो राहु के साथ अगर बैठेंगे बृहस्पति महाराज तो एक लेवल अगर ऊपर की बात करी जाए तो हर प्रकार की जो ज्ञान समझदारी और पढ़ाई और लिखाई ये होती है ना, उसका एक स्टेप आगे बढ़ के काम करने वाला होगा, और अच्छे नए नए तरीके के। अरे इन्होंने पढ़ाई में तो भैया अब की बार झंडे नहीं गाड़े, कुछ नई नई चीज़ ही इन्होंने ऐसी लिख दी है जिसको अब पीढ़ियाँ फॉलो करेंगी, इस प्रकार का ज्ञान देना, बनाना, सिखाना, ऐसा हो सकता ना रेवोल्यूशन ले आए एजुकेशन सिस्टम में, ज्ञान में, समझदारी में रिफॉर्म्स ले आए, कोई पढ़ाई लिखाई में, पैसे से संबंधित कामों में, जीवन में, घर परिवार में, बच्चों के जीवन में, मतलब कहने का मतलब है गुड रिफॉर्म्स। और बृहस्पति और राहु साथ में बैठे हुए हैं और बृहस्पति वो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट बन के आया है अब की बार, तो फिर क्या हो सकता है, धूर्तता, हर प्रकार का कपट, हर प्रकार की जिसको कहा जाता है ना फेकनेस, फिर हर प्रकार का कपट, झूठ, फेक, सब बेकार हो जाता है फिर। तो हमें पता चल जाता है कि जुपिटर वो वाला इम्पॉर्टेंट प्लैनेट था और जुपिटर हमारी पत्रिका में खराब बैठ गया, खराब प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, क्यों हम अपने में और मूर्ता, क्यों बेवकूफ़ियाँ करते रहे, क्यों हम अनर्गलताओं में पड़ गए बेफालतू के, और हमने अपना सत्यानाश करा लिया, हमें पता चल जाता है। देखिए इन चीज़ों से हमको ये भी करना है, अच्छा बृहस्पति खराब है तो हमको बड़ों को, सीनियर्स को, गुरु को, धर्म को, इन चीज़ों को बुरा नहीं कहना है, वैसे ही हमारा बैंड बजा हुआ है, हम अपना और बैंड ना बजवाएं, ये वाला पॉइंट आ जाता है। अब
बृहस्पति हमारे चार्ट में जिन घरों का, जैसे मैंने आपको बताया, स्वामी होगा, आत्मा कारक है, दारा कारक है, इन चीज़ों से और आगे का बताएगा आपको पूरी स्टोरी। अब चंद्रमा नवमांस चार्ट में बैठे हुए हैं, मान लीजिए बुध की राशियों में, कन्या में बैठे हैं और मिथुन में बैठे हैं, या तो अब बुध महाराज ऐसे प्लैनेट बन के आ जाते हैं जो आपके लिए पैरामाउंट है। अब बुध महाराज अपने कामों से रिलेटेड है, मान लीजिए बुध डेटा साइंटिस्ट हैं, आजकल के बिजनेस एनालिस्ट हैं, अकाउंट्स हैं, अगर हम बात करें उनसे रिलेटेड काम में, हर प्रकार का कम्युनिकेशन वाले काम हैं, मीडिया वाले काम हैं, डिजिटल काम है, ट्रांसपोर्टेशन के काम हैं, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है, हीलिंग से भी रिलेटेड है। हाँ, ये बात याद रखिए, डॉक्टर्स के चार्ट में मरकरी बहुत प्रोमिनेंट होगा, ये मैं आपको बता दूँ। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारे जीवन में परिपक्वता है। अब आदमी समझ सकता है चंद्रमा नवमांस में इनकी राशियों में बैठा है और बुध हमारे चार्ट में पैरामाउंट हो गया, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंट्स, इन सारी चीज़ों की तरफ जा सकता है। भाई होगी, वही डोमेन है ना, उनकी पढ़ाई का वही सेक्टर है, CA, कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई कर रहा है, एनी काइंड ऑफ थिंग दैट कम्स टू मरकरी। आजकल के ज़माने में वो शेयर्स मार्केट भी हैं, क्रिप्टोज भी हैं, एंड एवरीथिंग दोस काइंड ऑफ थिंग्स, तो अब आप उनमें भी आप जा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, और गूढ़ता में जाते चले जाएं तो आजकल के जितने भी ये डेटा बिजनेस और जितने ये एनालिस्ट और साइंटिफिक उनकी रिसर्चेज वाले लोग हैं, पढ़ाई वाले लोग हैं, PhDs हैं जो फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में और इन सारी चीज़ों में करना चाहते हैं, उनके लिए मरकरी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। खैर, मरकरी और चीज़ों के लिए हमको क्या बताता है, देखिए मरकरी मेन बताता है हमारे जीवन में कि आपके लिए पढ़ाई लिखाई, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट बनने वाली है। निरंतर चलते रहना, निरंतर अपने स्किल को अपग्रेड करते रहना, सीखते रहना, अपने आप को इवॉल्व करते रहना, एक के बाद एक नई चीज़ों की तरफ जाना और चलते रहना, सदैव जिसको कहा जाए, ये एक गुड मरकरी का काम है। वो आगे चलता रहता है, नया सीखता रहता है, सबके साथ उसकी मित्रता, उसकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, वो न्यूट्रल है बिल्कुल, विद एवरीबडी इट इज़ न्यूट्रल, उसके किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई शत्रुता नहीं। तो बुध हमको सिखा रहा है नित्य, हमको बुध जो है हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान, स्पेसिफिकेशंस, डिटेलिंग, ये हमारे जीवन का क्राइटेरिया बन के आ रहा है, गुड वे में अगर देखा जाए, गुड वे की बात कर रहा हूँ, हमको बड़ा दक्ष बना रहा है, बड़ा हमको हुनरमंद बना रहा है। एक तरीके से मान लीजिए बुध हमको जीवन में एक तरफ तो दिमाग प्रदान कर रहा है जिससे हम अपने कर्मों को कर पाएं, और दूसरी तरफ वो हमको प्रदान कर रहा है अपने कर्मों को दूर करने के लिए या करने के लिए जो ताकत चाहिए वो भी हमको प्रदान कर रहा है, या तो स्किल भी प्रदान कर रहा है हमको और ताकत भी प्रदान कर रहा है। लेकिन बुध की ताकत जो है वो मेनली समझदारी को लेके है ना, और मंगल की ताकत जो है वो ज़्यादातर फिजिकल है, और बुध कैसे काम करता है, दिमाग से, कि हाँ भैया हमको ये काम करना है तो हम दिमाग लगाएं, तो हमारा दिमाग, हमारा यहाँ दिमाग की बात आई है तो बुध से रिलेटेड आप समझ लीजिए व्यक्ति दिमाग में कैसा होगा, बुद्धि से कैसा होगा, ज्ञान से कैसा होगा, पढ़ना लिखना, स्पीच बोलना, बुध हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अब बुध अब की बार लगन चार्ट में हमारे में बैठा हुआ है सेवेंथ हाउस में, सेवेंथ हाउस इम्पॉर्टेंट बन गया, शादी इम्पॉर्टेंट बन गई, हमारे चार्ट में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, बच्चे इम्पॉर्टेंट बन गए हमारे लिए। अब बुध कैसे बैठा हुआ है, किस स्थिति में बैठा है, किसके साथ बैठा हुआ है, ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है। अब हमें पता चल गया, अच्छा बुध है, अच्छा बुध दिमागी प्रॉब्लम, दिमागी उलझने, अनसर्टेनिटी, किसी चीज़ में टिक ना पाना, डिसीजन पावर ना होना, कुछ ना होना, ये चीज़ें भी शो करता है ना। तो बुध नेगेटिविटीज़ भी शो करेगा जो उसके अंदर की होंगी, दिमाग से पैदल हैं, दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, बुद्धिहीन है, बुध का खराब हो जाना हमारे चार्ट में, या बुध उस समय कहते हैं ना कि बुद्धि तुम्हारी घास चरने को चली गई थी जो ये काम कर दिया। बुध किसी ऐसे प्लैनेट के साथ खराब स्थिति में बैठे हुए थे जिसके ऊपर हमने गौर नहीं किया, लेकिन उनकी दशा आई और हमने कहीं स्टॉक्स में किसी को पैसे दे दिए, कहीं कोई बिजनेस लगा दिया, हमने ऐसे कर्म कर गए जो हमने डुबो दिए अपने सारे पैसे, तो ये भी हमको बताता है। तो वो प्लैनेट बुध अगर होगा तो ये इम्पॉर्टेंट नर्वसनेस,
एंग्जाइटीज़, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए बुद्ध से भी रिलेटेड, बहुत टिमिड है, बहुत डरपोक है, डरने वाला है, और जिसको कहा जाए बुद्ध महाराज जो हैं, और बड़े जल्दी नर्वस हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, और कई प्रकार के गलत फैसले त्वरित रूप से ले लेते हैं, हड़बड़ाना, हड़बड़ाहट में बोलना, और ये सारी चीज़ें कर जाते हैं। कब क्या कैसे क्यों बोलना है नहीं पता ऐसे आदमी को। डिसीजन में तो बहुत ही पुअर है, लैक ऑफ चॉइस जिसको कहा जाए। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होगा, तो कहने का मतलब ये है बुद्ध अगर चार्ट में बढ़िया है वेरी गुड, बुद्ध खराब है बहुत गड़बड़, यहाँ पे पॉइंट हो जाता है, तो आपको वो ठीक करना पड़ेगा। तो आपको मैंने बताया चंद्रमा नवमांश कुंडली में जिन ग्रहों की राशियों में बैठा होता है, वो ग्रह हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए, गति के लिए, सुख और दुख के लिए, हमारे जीवन को शेप करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।